सो गाइस, इसमें आपको बताने वाला हूँ प्रो कबड्डी एंड कबड्डी के रिलेटेड टॉप 10 अपडेट्स। यहाँ दोस्तों रोज की तरह आज भी कबड्डी जगत से बहुत सारे अपडेट्स निकल के आई है, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ गाइस, वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, हमारे चैनल 35K सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा करीब है, सिर्फ 500 सब्सक्राइबर और चाहिए, तो गाइस जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस बिना देरी किए एक और वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की। तो गाइस यहाँ पे आप में से मैक्सिमम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे जो मीडिया राइट्स का ऑक्शन का डेट था वो यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे जो 5 अप्रैल को होने वाला था अब वो 15 तारीख को होगा। उसका रीजन क्या है उस पर मैंने प्रॉपर वीडियो डाली है, आज अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर भी जाके देख सकते हैं, उस पर मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो गाइस बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अगला अपडेट निकल आता है प्रो कबड्डी के रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे प्रो कबड्डी ने फोटो अपलोड किया है जहाँ पे राहुल चौधरी ने ये कहा है कि आई एम ग्लैड वीवो प्रो कबड्डी कम अप ड्यूरिंग माई टाइम एज अ प्लेयर एंड हेल्प मी टू फुलफिल ऑल माई ड्रीम्स। और यहाँ पे नीचे लिखा है कि वीवो PKL मेकिंग ड्रीम्स कम ट्रू 100 टाइम। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि प्रो कबड्डी ने ये फोटो पहले भी अपलोड किया हुआ है, एंड इसी के साथ रोहित कुमार का भी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रो कबड्डी ने आज पोस्ट किया जहाँ पे लिखा कि Vivo PKL has changed everything, it is giving a new lease of life of a kabaddi, and यहाँ पे लिखा है कि नीचे Vote Max Vivo PKL Special 101 feet रोहित कुमार। और मुझे ये लगता है कि ये पोस्टर भी पहले प्रो कबड्डी ने अपलोड कर दिया है, अब मे भी किया है कि नहीं आप ही को पता होगा, अगर किया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलो सो बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अगला अपडेट निकल आता है बंगबंधु कबड्डी कप 2021 के रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पर जो शेड्यूल था वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता हो कि यहाँ पर शेड्यूल मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। कॉपीराइट इशू के चलते मैं आपको फोटो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपको जानना है तो आपको कबड्डी 360 का इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आप जाके उनके इंस्टा पर जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको फोटो दिख जाएगा, वहां पे आपको पूरा शेड्यूल देखने को मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहां पे कल की मैचेस की बात की जाए तो गाइस यहाँ पे 31 मार्च को टोटल 3 मैचेस खेले गए। यहाँ पे असल में 2 मैचेस होने वाले थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल चेंज के कारण यहाँ पे टोटल 3 मैचेस हो गए 31 मार्च को। जो पहला मैच होगा नेपाल वर्सेस पोलैंड के बीच में होगा जो सुबह 9:30 बजे होगा, और यहाँ पे जो दूसरा मुकाबला है वो बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच में खेला जाएगा जो 6:00 बजे, एंड जो तीसरा मुकाबला है वो केन्या वर्सेस नेपाल के बीच में खेला जाएगा जो 7:00 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मैचेस के रिजल्ट की बात की जाए, यानी कि जो कल यानी कि 29 तारीख को खेला गया था मैचेस, तो गाइस यहाँ पे 29 तारीख के मैचेस में आपको बता दे तो गाइस यहाँ पे जो पहला मुकाबला खेला गया तो श्रीलंका वर्सेस पोलैंड के बीच में था, और फुल टाइम के स्कोर में श्रीलंका को मिला 45 पॉइंट्स और वहीं पर पोलैंड को मिला 16 पॉइंट्स। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि श्रीलंका ये पहला मुकाबला जीत गया। जो सेकेंड मुकाबला था वो बांग्लादेश वर्सेज केन्या के बीच में था, जिसमें बांग्लादेश को मिला था 32 पॉइंट्स एंड वहीं पे केन्या को मिले थे 29 पॉइंट्स। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो मुकाबला है वो बांग्लादेश 3 पॉइंट से मुकाबला जीत चुकी है, एंड साथ ही साथ दोस्तों जो आज का मुकाबला है यानी कि 30 मार्च वो केन्या वर्सेस पोलैंड एंड बांग्लादेश वर्सेस नेपाल, उसके रिजल्ट्स मैं आपको कल के वीडियो में बता दूंगा। चलो सो बात करते हैं अगले अपडेट की। यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है बंगबंधु कबड्डी कप 2021 के पॉइंट्स टेबल के रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स टेबल शो कर दे रहा हूँ, शो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधा से बता दे रहा हूँ। रैंकिंग के हिसाब से जो रैंक नंबर 1 पे है वो है श्रीलंका की टीम, रैंक नंबर 2 पे है बांग्लादेश की टीम, रैंक नंबर 3 पे है केन्या की टीम, एंड रैंक नंबर 4 पे है पोलैंड की टीम, एंड रैंक नंबर 5 पे है नेपाल की टीम। और यहाँ पे आप पॉइंट्स आपको नहीं बता सकता हूँ, यहाँ पे आपको रैंक के हिसाब से मैं आपको बता दिया हूँ। चलो सो बात करते हैं अगले अपडेट की। यहाँ पे अगला अपडेट निकल आता है सुशांत सेल के रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे आज सुशांत सेल का बर्थडे है, तो गाइस कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे सुशांत सेल जरूर लिखेगा, एंड विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सुशांत सेल। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आज रोहित राणा का भी बर्थडे है, रोहित राणा बहुत ही डिफेंडर है आज उनका बर्थडे, तो गाइस कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे रोहित राणा लिख दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे रोहित राणा। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपको थोड़ी पसंद आए वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैक्सिमम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं हमारा चैनल 35K सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा करीब है, तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस उम्मीद आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।